वेलकम टू शिवराज किचन। आज हम बनाने वाले हैं कलरफुल एगलेस पास्ता डो, और हम पास्ता बनाना भी सीखेंगे। हैंडमेड पास्ता है, होममेड है, बहुत ही इजी है। आपको हर बार जो है, आप अगर रेडीमेड पास्ता अगर आप प्रेफर नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल आप एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। हेल्दी तो है ही है और प्लस होममेड है। तो चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन को हिट कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और वीडियो के अंत में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी के साथ। सबसे पहले मेरे यहाँ पे जो है, जो वेजिटेबल्स है एज अ कलर हम यूज़ करने वाले हैं, तो वो मैंने आप यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक मुट्ठी जो है पालक। बेसिकली मैंने उसका प्योरे, यानी मैंने उसे मिक्सर में अच्छे से वॉश करके, मिक्सर में जो है मैंने उसे ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बनाना है आपको, और छान के रख लिया है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस मैंने हर वेजिटेबल के साथ किया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है पालक ग्रीन कलर के लिए। यहाँ जो है हम लेने वाले हैं बीट का जूस जो है हम कलर पिंक कलर के लिए लेने वाले हैं, वो है कैरेट। अगर आपके पास ये कैरेट नहीं अवेलेबल होता है, मैंने ये टाइम्स होता है कि हमारे पास जो पिंक या रेड कलर के जो कैरेट्स होते हैं, तो नो प्रॉब्लम, जो वेजिटेबल कलर होगा ऑब्वियसली हमें उसी कलर का जो है पास्ता मिलने वाला है। तो ये भी मैंने जो है प्योरे करके रखा हुआ है। इसमें मैंने, इन दोनों में मैंने थोड़ा थोड़ा सा पल्प ऐड किया है, यानी उसी का पल्प हम थोड़ी थोड़ा जो है इसमें ऐड करेंगे। हम हल्दी लेने वाले हैं, यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच हल्दी लिया है। मैदा मैंने लिया है करीबन डेढ़ बड़ा कप, यानी करीबन जो है ये 150 ग्राम मैदा है। रवा यानी सूजी जो हम लेने वाले हैं यहाँ पे एक छोटा कप। पानी हम लेंगे हमारे डो के जो है रिक्वायरमेंट के अनुसार। नमक हम जो है स्वाद अनुसार यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिया है, आप देख सकते हैं ये जो ऑयल है, ये हम जो है डो बनाते समय यूज़ करने वाले हैं, ये है ऑलिव ऑयल। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं इस डो को 4 इक्वल जो है पोर्शन में डिवाइड कर लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिया है पहला पोर्शन जो है डो का लिया है, यानी आप जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है आप डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है। और यहाँ मैं डालूँगी करीबन 2 चम्मच सूजी। और अब मैं हर एक में हम जो है अलग अलग जो हम कलर यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम जो है डो जो है अलग अलग नीड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 चम्मच ऑलिव ऑयल, नमक पिंच। ये पालक का हम पहले बनाने वाले हैं स्पिनाच का। तो जैसे मैं ऑलमोस्ट जो है मैं स्पिनाच की रेसिपीज़ में कहती हूँ कि स्पिनाच की जब सब्जी बनती है तो उसमें जो है हमें कम सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो सॉल्टी होता है। आप इसे एक ड्राई मिक्स दे दीजिए, मैं इसे एक छोटा सा क्विक ड्राई मिक्स दे रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे एक क्विक मिक्स दे दिया है। अब हम जो है इसमें हमारा जो पहला इंग्रेडिएंट है या पहला कलर है उसे हम जो है ऐड करेंगे, वो है ग्रीन। सभी एक साथ नहीं ऐड करना है, बिकॉज हमारा डो जो है हमें ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, तो इसकी कंसिस्टेंसी रहने वाली है। हमारा जो रोटी का आटा होता है बिल्कुल उसी के हिसाब से हमें करना है। तो ये देखिए मैंने नीड किया है, लेकिन हमारा जो है मैंने जैसे जूस ऐड किया, मैंने सारा यूज़ नहीं किया है, मैंने जो है अभी थोड़ा सा ही यूज़ किया है, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इतना रह गया है। तो अब हम जो है कलर, तो हम दो हमारी रिक्वायरमेंट है, एक जो है कलर आ गया है पर थोड़ा सा लिक्विड हो गया है, तो अब हम इसमें जो है थोड़ा सा और जो है हमारा मैदा ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमने जो है हमारा कलर भी हमें मिला है, और ये कंसिस्टेंसी चीज जो है हमें रखनी है। तो मैं करीबन जो है इस आटे को 10 से 15 मिनट तक जो है इसे ऐसे ही हल्के हाथों से गूंथती रहूंगी। तो ये देखिए मैंने जो है इसे 10 मिनट तक जो है अच्छे से जो है इसको एक मसाज दे दिया, यानी इसे मैंने गूंथ लिया है। अब हम जो है हल्का सा हाथ में तेल लेंगे और इसका एक गोला बनाएंगे, और हम जो है इसे एक प्लेट में भी निकाल देते हैं। और इस पर जो है आप किसी भी तरह का एक साफ मसलिन क्लॉथ जो है वो लेकर आप इसे ढक दीजिए। तब तक हम
और इसे रेस्ट करना है, हम इसे हाफ एन आवर तक जो है रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो और इसी तरह से हम जो है चलिए अगले वाले जो हमारे कलरफुल डोज है वो बनाते हैं। यह लिया मैदा, सूजी, अब हम जो है बीटरूट वाला जो है हम रंग यूज करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि हो सके उतना हम प्योरे हम जो है यूज करें इसका। तो यहाँ पे मैं फिर से वही प्रोसेस है, थोड़ा सा तेल, पिंच ऑफ सॉल्ट, एक ड्राई मिक्स पहले दे देते हैं। तो अब हम हाथों से गूंथते हैं इसे, अभी भी हमारा जो है डो काफी ड्राई है तो हम थोड़ा सा और जो है इसमें बीटरूट जूस ऐड करेंगे। तो चलिए इसे गूंद लेते हैं। देखिए ये मैंने गूंद लिया है, इसे भी हम जो है 10 या 15 मिनट तक जो है इसे हम गूंद देंगे अच्छे से हल्के हाथों से। तो ये देखिए मैंने इसे जो है 10 मिनट तक गूंद लिया है, इसे भी हम जो है बिल्कुल उसी तरह से प्लेट में निकाल लेंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने लिया मैदा, एक चम्मच सूजी, तेल, पिंच ऑफ सॉल्ट, और अब हम जो है ऐड करने वाले हैं वो है हमारा अगला कलर और वो है कैरेट पल्प। इसे ड्राई मिक्स दे देंगे। तो ये देखिए अभी भी हमारा जो है आटा ड्राई है, हम थोड़ा सा और जो है पल्प ऐड करेंगे। इसे अच्छे से गूंद लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है। इसमें मैंने जैसे मैंने पहले इसमें बताया था पहले वाले कलर में, अगर आपका डो अगर पतला हो जाता है प्यूरी की वजह से, प्यूरी ही रखना है, ज़्यादा लिक्विड नहीं रखना है, फिर भी अगर हो जाता है तो सूजी आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा उस हिसाब से। तो हमारा कंसिस्टेंसी और कलर दोनों तैयार है। चलिए इसे भी हम साइड में रख लेते हैं 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। अब ये है लास्ट कलर, ये मैदा, एक चम्मच सूजी, थोड़ा सा ऑयल, पिंच ऑफ सॉल्ट, और इस कलर के लिए हम यूज करने वाले हैं टर्मरिक यानी हल्दी, करीबन एक चम्मच हल्दी है। तो बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले हम इसे ड्राई मिक्स दे देंगे और अब हम जो है इसका आटा, अब हम इसके लिए आटे के लिए थोड़ा सा पानी यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हल्दी हमने ड्राई यूज़ की है। तो चलिए इसे एक आटा गूंद लेते हैं हम अच्छे से। तो ये देखिए हमारा जो येलो कलर है ये भी रेडी है, इसे भी हम जो है साइड पे रख लेते हैं। और तो देखिए फ्रेंड्स हमारे चार जो है रंग तैयार हो चुके हैं और हम इन सभी डोज को करीबन जो है अच्छे से एक हमारा ऑलिव ऑयल को एक हम जो है इस इन पे एक कोट कर देंगे और करीबन जो है 30 to 40 मिनट्स तक हम जो है इन्हें रेस्ट होने के लिए हमारा जो मसलिन क्लॉथ है उसे ढककर 30 मिनट्स तक जो है रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स आधा घंटा हो गया है, अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्लफी हो चुके हैं काफ़ी हद तक। तो अब जो है हम इन सारे जो है कलर्स के अब हम जो है इनके पास्ता बनाएंगे। तो मैं जो है पहले तो इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लेती हूँ, इसे हम ढककर ही रखेंगे ताकि वो जो है ड्राई ना हो जाए। और इसे जो है हमें ना इसे ज़्यादा पतला करना है, बेल लेना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है, आधे इंच की जो है। आप इसे जिस चाहे शेप में कर सकते हैं, मैं इसे जो है लंबे स्ट्रिप पास्ता में जो है कट करने वाली हूँ।
बिल्कुल इस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं मैंने बेल दिया है और इसे हम जो है अब रोल कर लेंगे। और कट करेंगे तो चलिए बिल्कुल इसी तरह से जो है हमें आपको जितनी थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप काट लीजिएगा। देखिए मैं इस तरह से इन्हें कट कर रही हूँ। तो अब हमने जो रोल्स बनाए हैं ये देखिए, उसे हम जो है अब अनरोल कर देंगे। तो बिल्कुल इस तरह से, और एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि थोड़ा सा आप जो है आटा ज़्यादा अप्लाई कीजिएगा ताकि हमारे जो रोल्स हैं वो ईजिली निकल जाए। तो इसी तरह से हमें सारे जो हमने कट किए हैं वो रोल्स जो हैं वो निकालने हैं। तो ये देखिए मैंने सारे जो है अनरोल कर लिए हैं। इसे मैं और आटा छिड़क के इन्हें जो है एक क्विक मिक्स दे देती हूँ। प्लेटफॉर्म जो है हमें थोड़ा सा या हम जो है चकला बेलन भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसे जो है, ये देखिए हमारा एक कलर वाला नूडल तैयार है, पास्ता तैयार है। इसी तरह हम जो है सारे कलर्स जो है उसके पास्ता जो है हम रेडी कर लेंगे। तो चलिए बिल्कुल इसी प्रोसेस से मैं सारे रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स लीजिए, तैयार है हमारे चार कलर के खूबसूरत जो है पास्ता। होममेड आटे से हमने शुरुआत की और देखिए कितना ही सरल है, क्विक है, इजी है। और कुछ आपके घर में जो भी लाइक सभी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है हमने उसी से पास्ता बनाया। आप इसके जो है अलग अलग रेसिपीज ट्राई कीजिएगा। तो आप बिल्कुल जो है इसे बनाना जो है ट्राई करना ना भूलिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस जो है कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी क्विक, ईजी, हेल्दी, टेस्टी रेसिपी।